हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो यार लास्ट वीडियो जो मैंने डाली ना जियो गीगा फाइबर के FAQs के बारे में, उस पर शायद अगर आपने देखी हो तो 200 लाइक्स का टारगेट मांगा था और 200 लाइक्स तो आपने दिए ही दिए, साथ में 5000 लाइक्स और दे दिए। तो यार मतलब ना दिल से मज़ा आ गया, तो कीप सपोर्टिंग। इस वीडियो में ना मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप जियो लेने वाले हो लेकिन कन्फ्यूज़ हो कि कौन सा प्लान लिया जाए, 699 वाला जिसमें 100 Mbps की स्पीड है बिना किसी OTT के, या 1000 रुपये वाला जिसमें 10 या 11 OTT ऐप्स मिल जाती हैं 150 Mbps की स्पीड पे, या फिर 1500 रुपये वाला जिसमें नेटफ्लिक्स के साथ 300 Mbps की स्पीड मिल जाती है। साथ में मैंने एक छोटा सा गिव अवे भी रखा हुआ है रेगुलर व्यूअर्स के लिए, आप लोगों के लिए। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या गिव अवे में और कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो सरकास्टिक हिंदी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई आप मन मना चुके हो जियो का फाइबर लेने के लिए, तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि जो नए प्लान्स आए हैं उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगा अगर आप ट्रायल के बाद उसको यूज़ करते हो तो। तो अब जब इंस्टॉलेशन कॉस्ट लग ही रहा है तो मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप सेट ऑफ बॉक्स वाला ऑप्शन ही चूज़ कीजिए, यानी 2500 रुपीज़ सिक्योरिटी दीजिए, अपना सेट ऑफ बॉक्स भी लीजिए, डुअल बैंड राउटर भी लीजिए और एक महीना फ्री नेट भी चलाइए, और उसके बाद सेट ऑफ बॉक्स रखे रहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा टीवी 4K नहीं है तो मैं सेट ऑफ बॉक्स का क्या करूँगा, या फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो 399 वाला प्लान यूज़ करने वाला हूँ तो सेट ऑफ बॉक्स का क्या करूँगा, तो मैं आपको ये बता दूँ कि भाई सेट ऑफ बॉक्स तो ले ही लो, सिर्फ कुछ भी नहीं जा रहा है, फ्री में मिल रहा है एक तरीके से। आपकी 1000 रुपये की सिक्योरिटी जमा हो रही है, वो भी जब आप कनेक्शन कटवाओगे तो वापसी करोगे तो सेट ऑफ बॉक्स आपको रिटर्न करने के बाद 1000 रुपये आपके वापस मिल जाएंगे। तो जितने महीने आप जियो गीगा फाइबर यूज़ करोगे ना उतने टाइम के लिए सेट ऑफ बॉक्स बिल्कुल फ्री है, और उस पर जो जो ऐप्स अवेलेबल है ना जैसे नेटफ्लिक्स हॉटस्टार उस पर आप अपनी IDs भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 1000 रुपये वाला प्लान रिचार्ज कराओ तो ही आप उसको यूज़ कर पाओगे, आप यूजुअली भी यूज़ कर सकते हो, और YouTube वगैरह तो है ही है तो वहाँ पे भी आप मेरी वीडियोस देख के लाइक कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैं टारगेट में रखता हूँ 500 लाइक्स का, अगर आप हेल्प कर दो रीच करने के लिए तो बहुत बहुत थैंक यू। तो सेट ऑफ बॉक्स आपने ले लिया और कनेक्शन भी ले लिया, अब मैं सपोज करता हूँ कि ट्रायल पीरियड आपका ओवर हो गया है, 30 दिन आपने चला लिया और आप इंटरेस्टेड हो कि आप आगे रिचार्ज कराओ, लेकिन ये कन्फ्यूज़ हो कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी किस में मिल रही है, यानी मेरा पूरा पैसा ढंग से यूटिलाइज किस में हो रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये पूरी वीडियो ना ध्यान से देखना। अगर आप कोई और ही प्लान सोच रहे हो 1 Gbps वाला या फिर 399 वाला तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है, आप बंद कर सकते हो वीडियो को। लेकिन अगर आप इन तीन प्लान में से कन्फ्यूज़ हो, 699, 999 और 1499, इन तीनों की जो बेस्ट वैल्यू है वो मैं आपको एक बार इस वीडियो में बता सकता हूँ कि आप क्या कैसे ऑप्ट कर सकते हो, या फिर जो मैं लेने वाला हूँ वो कौन सा है और क्यों। तो देखो यार, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 699 वाले प्लान में 100 Mbps की स्पीड है, अनलिमिटेड डेटा है, मतलब 3300 GB का डेटा है, भले वो 699 वाले प्लान में हो या फिर 999 वाले प्लान में हो। पहले इन दोनों को मैं पकड़ लेता हूँ, तो दोनों में ही 3300 GB का डेटा है और स्पीड का फ़र्क आ रहा है 50 Mbps का, इसमें 100 Mbps है, इसमें 150 Mbps है। अब मेन फ़र्क आता है OTT ऐप्स का, OTT ऐप्स इसमें हमको मिल रही है 11 ऐप्स और इसमें मिल रही है 0। तो अब इन 11 ऐप्स की जो वर्थ कॉस्ट है वो मैं आपको बताऊं कि कंपनी बोल रही है 1000 रुपये वर्थ कॉस्ट है इसकी मंथली की। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई जो ये सारी ऐप्स हैं, पहले तो आप ऐप्स का नाम सुनिए कि कौन कौन सी हैं, मैं यहां पे लिस्ट भी करता जा रहा हूं, आप देखो एक बार। जो इस वाले प्लान में ऐप्स मिल रही हैं ना वो मिल रही हैं Amazon, उसके बाद हॉटस्टार, डिज्नी, Z5, वूट, सोनी लिव, ऑल्ट बालाजी, होई चोई, जियो सिनेमा, जियो सावन, लायंस गेट और शिमारू मी। अब 2 मिनट के लिए हम सोचते हैं कि कोई प्लान नहीं है, हमको ये सारी ऐप्स, ये सारी की सारी ऐप्स हमको लेनी है, सोचते हैं कि जियो नहीं दे रहा है, हमको अपने पैसे से लेनी है, तो कितने रुपए हमको चुकाने पड़ेंगे इन ऐप्स के लिए अगर हम इसका सब्सक्रिप्शन खुद से अपनी जेब से परचेज करते हैं तो। तो देखो यार, Amazon की जो मेंबरशिप है आप सबको पता है 999 की है, यानी मंथली कॉस्ट आ गई उसकी 83 रुपीज़। इसी तरह से मैं सारे के सारे ऐप्स के नाम लेता जाऊंगा और ईयरली प्राइस और मंथली प्राइस यहाँ पे आपको लिस्ट कर देता हूँ। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप 399 की है, मंथली कॉस्ट आ गई 33 रुपीज़। इसी तरह सोनी लेव हो गया 999 का, जिसकी मंथली कॉस्ट आ गई 83 रुपीज़। Z5 999 अगेन 83, वूट का 499 तो ये हो गया 41 रुपीज़। ऑल्ट बालाजी 299 का है तो वो 25 रुपीज़। होई चोई 499 का है तो ये 41 रुपीज़। शिमारू मी 63 रुपीज़। और लायंस गेट का मुझे को पता नहीं है, जियो सिनेमा और जियो सावन इनकी खुद की ऐप्स हैं तो इसके बारे में तो छोड़ ही दो, कितना भी प्राइस ये लिख दें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब जो मेन ऐप्स हैं
हैं जो ये मंथली इनकी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 452 रुपीस, अगर आप इसमें तीन ऐप्स मैंने नहीं जोड़ी हैं, लायंस गेट और जियो की दोनों ऐप्स। अब लायंस गेट बहुत ही बकवास ऐप है, अगर आप भी चेक करोगे तो आप फ्री में भी नहीं लेना चाहोगे। और उसके बाद जियो सिनेमा की बात करें तो अगर आप नेटफ्लिक्स अमेजन जैसी ऐप्स यूज़ कर रहे हो तो जियो सिनेमा बिल्कुल बकवास है। और इसके बाद आती है जियो सावन, तो वो मैंने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि वो साउंड के लिए, और हम अभी बात कर रहे हैं OTT अपने मूवी एक्सपीरियंस के लिए या स्ट्रीम करने के लिए। अब इनकी मंथली कॉस्ट आ गई 452 रुपीज़। अब आप ये देखो कि आप जियो को कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, अगर जियो का 699 वाला प्लान लेते हो तो कोई ऐप नहीं है, यही सारी ऐप्स 999 वाले प्लान में आप लेते हो तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। अब ये बात ध्यान रखना कि 699 पे GST जुड़ती है, 999 पे GST जुड़ती है, इसका मतलब 300 रुपये के पे भी GST जुड़ेगी 18%। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आ गई 352 रुपीज़ के आसपास, फिर से कॉस्ट आ गई जो ये आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ रही है, जबकि इनकी कॉस्ट आ रही है 452 रुपीज़। अब आप थोड़ा सा अगर मेरे दिमाग से चलो, जो मैं चाहूँगा कि इस तरीके से मैं यूज़ करूँ, उसमें मैं क्या करूँगा कि जो मेरी बेसिक ऐप्स हैं ना जिससे मेरा पूरा काम चल जाएगा, जैसे कि मेन ऐप्स जो शायद मैं समझता हूँ कि 80% लोग ऐप्स वही देखते होंगे, बाकी सारे लोग सारी ऐप्स नहीं देखते होंगे। सबसे पहले मैं रखूंगा Amazon Prime, Hotstar, Disney, Sony Live, Z5 और Netflix। अब आप बोलोगे यार Netflix तो इसमें है ही नहीं। अब मेरे अकॉर्डिंग जो ये 11 ऐप्स दे रहे हैं, ये जबरदस्ती दे रहे हैं, हमने इनसे सिलेक्ट तो नहीं करी ना हमको कौन कौन सी चाहिए, तो जबरदस्ती ये 352 रुपीज हमसे ले रहे हैं इन द नेम ऑफ 11 OTT ऐप्स। तो क्यों ना हम इसको अपनी तरीके से कस्टमाइज करके हम जो ऐप्स हम देखते हैं या फिर आप देखते हो, आपको जो भी पसंद हो, क्यों ना सिर्फ उसी का हम पैसा दें और अपना पैसा सेव करें बजाय कि इस बंडल को लेने के लिए। अब जहां तक मैं समझता हूं उसमें कि आप में से 80% से ज्यादा लोग ये 11 के 11 ऐप्स नहीं यूज करते होंगे, सभी लोग कम से कम इसमें से 3 या 4 या 5 ऐसी ऐप्स होंगी जो बिल्कुल भी यूज नहीं करते होंगे या आगे कभी यूज भी नहीं करेंगे। अब वो बंडल में जबरदस्ती आई है तो मिल रही है तो ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से देखना मंजूर नहीं करोगे। तो क्यों ना हम अगर पेमेंट, अगर हमको पैसा देना ही है तो हम उन चीज़ों का करें जो हमको एक्चुअल में मज़ा दे रही है या फिर हमको पूरी वैल्यू दे रही है। तो मैंने इस वाले पैकेज को थोड़ा सा कस्टमाइज करने की कोशिश करी, कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। तो इन सारी ऐप्स का अगर मैं कॉस्ट जोड़ता हूँ, जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, तो ये मेरे को अप्रॉक्सीमेटली पड़ती है 482 रुपीज़ की। तो 352 रुपीज़ ऐसे देना जो कि मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, उसमें से आधा वैल्यू यूज़ ही नहीं करूँगा, या फिर मैं 482 रुपीज़ ऐसे दूँ जो मुझे पूरी वैल्यू दे रहे हैं। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि भाई मुझसे 100 रुपये एक्स्ट्रा लो, लेकिन मुझे नेटफ्लिक्स ज़रूर दे दो, वो भी 4K में। अब बोलोगे यार 100 रुपये में एक्स्ट्रा में 4K कैसे मिलता है, तो यार इसका बेसिक सा सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप चार दोस्त मिलके एक 800 वाला प्लान ले लो, तो 200 रुपीज पर पर्सन का आपका शेयर आएगा और उसको आप अपने टीवी पे स्ट्रीम कर सकते हो, वो भी 4K में। तो ये जो 1500 रुपए वाला जियो वाला प्लान दे रहे हैं, वो भी सिर्फ बेसिक स्क्रीन दे रहे हैं, आपके सिंगल स्क्रीन दे रहे हैं आपके टीवी के लिए, लेकिन अगर आप शेयरिंग करके अपने दोस्तों के साथ मिलके ले लेते हो तो सिर्फ 200 रुपए पर महीने में आपको 4K की स्क्रीन मिल जाती है, वो भी बिल्कुल ऑफिशियल, बिल्कुल लीगल मेथड। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूँ अमेजन या फिर Z5 की, तो इसमें भी 5 या 5 स्क्रीन्स मिल जाती हैं। तो इन वाली ऐप्स के सब्सक्रिप्शंस भी आप अपने शेयर करके ले सकते हो, बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल ऑफिशियल है, कोई भी कहीं दिक्कत नहीं है। कंपनी खुद बोलती है कि आप साइमल्टेनियसली 5-5 स्क्रीन्स पर यूज़ कर सकते हो। तो क्यों ना आप चार दोस्त मिलकर या 3 दोस्त मिलकर या 2 दोस्त मिलकर इस शेयरिंग कॉस्ट को और कम कर लो, आप आपस में कभी आपने पे कर दिया कभी उसने पे कर दिया, इस तरीके से आपको भी बेनिफिट मिला, उसको भी बेनिफिट मिला और आपके से वेस्ट नहीं हुए। सबसे बड़ी बात ये कि जो आपको यूज करना चाहा आपने वो कर लिया और बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में। तो ये तो बात हो गई OTT की। अब आप बोलोगे कि यार उसमें स्पीड का भी तो फर्क है, तो यार देखो अगर आप स्ट्रीमर हो ना, गेम स्ट्रीम करते हो, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है 100 Mbps के प्लान में, यानी 699 वाला प्लान बिल्कुल परफेक्ट है, आपका कहीं भी कोई काम नहीं रुकेगा, कितनी मर्जी आप उसमें स्ट्रीमिंग कर लेना, कितनी मर्जी डाउनलोडिंग कर देना, डेटा कैप तो ऑब्वियसली रहेगा ही 3300 GB का, लेकिन आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। अब आपको 150 Mbps पे या फिर 300 Mbps पे जाने की ज़रूरत तब है जब आप एक हैवी डाउनलोडर हो, यानी कि आप बड़ी बड़ी फाइल्स 2400-500 GB की डाउनलोड करते हो नेट से, और बहुत यूजुअल है आपका हर दूसरे तीसरे दिन डाउनलोड करना है। लेकिन 100 Mbps की स्पीड भी एक बहुत मोर देन सफिशियंट है, बहुत अच्छी स्पीड है। ट्रांसफर रेट भी इसका अच्छे सर्वर्स पे 10 Mbps से ज़्यादा का आता है, इसका मतलब कि आप विद इन 2 मिनट्स 1 GB की फाइल डाउनलोड कर सकते हो, विद इन 2 मिनट्स, अंडर 2 मिनट्स। तो बहुत अच्छी स्पीड हो गई यार ये, अगर डाउनलोड भी आप कर रहे हो तो। ज़रूरत अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग की हो कि आपका बहुत वर्क फ्लो रुक रहा है तो आप उसको एक बार स्विच कर सकते हो एक्स्ट्रा वाले पे, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग कोई भी नीड नहीं है, आप 699 वाला प्लान ही स्टिक कीजिए। कंपनी को तो हाई ARPU चाहिए, आप उनको कैसे पैसे दोगे अगर वो पूरा बंडल बना के आपको दिखाएंगे नहीं, उसकी वैल्यू नहीं दिखाएंगे तो। लेकिन हमारा काम है हम आंखें खोल के
परचेज करें, हमको जो भी लेना है अपनी हार्ड अर्न मनी बिल्कुल ढंग से यूटिलाइज करें। अब 999 और 1499 के प्लान में भी सिर्फ दो ही फर्क हैं कि स्पीड हो गई 150 से 300 और एक नेटफ्लिक्स की बेसिक स्क्रीन 480p वाली ऐड हो गई। अब आपके जा रहे हैं 575 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी 500 रुपए के तो प्लान के हुए और जो 500 रुपए पे GST भी ऐड हो जाएगी वो 75 रुपीज के आसपास आएगी, तो वो 575 रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। स्पीड डेटा उतना ही है, सिर्फ स्पीड डबल करके दे रहे हैं और जो है आपका नेटफ्लिक्स की एक 480p की स्क्रीन दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी डाउनलोडर हो, आपको बहुत ज़्यादा फाइल्स डाउनलोड करनी होती हैं, तब तो आप उस प्लान पे जाइए। नहीं तो अगर आप कैजुअल डाउनलोडर हो या फिर स्ट्रीमर हो या फिर आप गेम्स ऑनलाइन प्ले करते हो, तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। 300 mbps आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे, अंडर 100 mbps का ही काम रह जाएगा। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर प्लान लेता तो 699 वाला प्लान लेता, और अगर शेयरिंग मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ना भी करूँ, आप बोलो कि यार ज़रूरी थोड़ी है कि मेरे सारे फ्रेंड्स को चाहिए ही चाहिए और वो मेरे साथ शेयर करें ही करें, तो भी आप अगर उसको इवेल्यूएट करोगे ना तो सिर्फ 100 या 200 के फर्क पे नेटफ्लिक्स देख पाओगे, वो भी आपका पर्सनल अकाउंट बिना किसी शेयरिंग के। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यहाँ पे फ्रीडम है, आपकी चॉइस है, पूरी चॉइस है। आप हो सकता है कि आप सिर्फ अमेजन पे ही आपका पूरा कंटेंट पूरा मिल जाता हो, आपको किसी और ऐप को देखने की जरूरत नहीं पड़ती हो, या फिर आप सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही डिपेंडेंट हो कि अगर आपको नेटफ्लिक्स मिल जाए तो बाकी कुछ चाहिए ही नहीं, तो क्या जरूरत है हमको कि हम बाकी ऐप्स के जबरदस्ती पैसे दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। तो आप जब भी ये प्लान लो तो आप सोच लेना, एक बार जरूर कंसिडर कर लेना कि क्या आपको इन सारी ऐप्स की जरूरत है जिनका आप अननेसेसरी पे करने जा रहे हो। तो अगर दोस्त हैं तो सब मिलकर शेयर कीजिए, केयर कीजिए और मजा आ जाएगा सबको, क्योंकि सबका फायदा होगा। तो अब बात आ जाती है गिव अवे की। तो हम पूरी वीडियो में OTT की बातें करते हुए आए हैं कि क्या रख क्या लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कितने का लेना चाहिए। तो मैंने गिव अवे में सोचा कि क्यों ना एक OTT का ही रखें। तो मैंने रखा है कि नेटफ्लिक्स के 10 अकाउंट्स, यानी आप में से 10 जनों को नेटफ्लिक्स की स्क्रीन्स मिलेंगी 4K वाली, और साथ में 10 जनों को अमेजन प्राइम की मिलेगी। ये मंथली स्क्रीन्स होने वाली हैं, अभी चैनल का इतना कोई बजट नहीं है कि मैं ईयरली अकाउंट्स गिव अवे कर पाऊँ। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है कि आप कौन सा प्लान लेने वाले हो, 699 या 999 या फिर 1499, और हैशटैग लगाना है कि जॉइंट योर गिव अवे। और ये हम जो ब्रॉडबैंड और फाइबर कनेक्शंस की इतनी सारी बातें करते हैं इस चैनल पे, तो क्या आपको पता है कि ये ब्रॉडबैंड पूरा काम कैसे करता है, यानी कि इंटरनेट कैसे काम करता है, इतने करोड़ों कंप्यूटर्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो इस टॉपिक पे मैंने ना एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको देखने का मन हो तो आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। और गिव अवे के जो रिजल्ट्स रहेंगे वो कमेंट्स पिक कर लूँगा मैं रैंडमली, और जो इसके रिजल्ट्स होंगे वो मैं विद इन 2 वीक्स, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि 10K सब्सक्राइबर्स पहुँचने वाला है चैनल, तो क्यों ना कि 11,111 सब्सक्राइबर्स 5K जैसे ही ये नंबर रीच हो जाता है उसी दिन हम गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो 500 लाइक्स का टारगेट है, एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर वीडियो नहीं पसंद आई हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बिल्कुल लाइक मत करना, और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबा देना अगर आपको अर्जेंट में चाहिए सारी नोटिफिकेशन हमारे चैनल की। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे थे सरकास्टिक सिंधी। अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक।